देश के प्रथम मतदाता मास्टर श्याम सरन नेगी का आज जन्म दिवस है और आज वे उम्र के 105 वर्ष पूरे कर 106 वर्ष में कदम रख चुके हैं। ऐसे में आज प्रशासन की ओर से उपायुक्त किन्नौर आबिद हुसैन सादिक व एसपी किन्नौर अशोक रत्न व अन्य अधिकारी भी इस दौरान कल्पा में श्याम सरन नेगी के निवास स्थान पर पहुंचे और उनके जन्म दिवस को हर्षोल्लास के साथ मनाया। उपायुक्त किन्नौर आबिद हुसैन सादिक ने जन्म दिवस के अवसर पर देश के प्रथम मतदाता मास्टर श्याम सरन नेगी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि देश के अंदर किन्नौर जिला के लिए गर्व की बात है कि देश के प्रथम मतदाता मास्टर श्याम सरन नेगी जिला के कल्पा के निवासी हैं और वे हर चुनाव में अपने मत का प्रयोग करते हैं, जो देश के युवाओं के लिए एक बड़ा संदेश भी है। आज जैसा कि आपको पता है कि हमारे श्याम सरन नेगी जी जो इंडिपेंडेंट इंडिया के पहले वोटर हैं और जिन्होंने सभी जितने भी इलेक्शंस हुए हैं, चाहे पंचायती राज के हो, असेंबली के हो या लोकसभा के हो, सभी में हिस्सा लिया है, तो आज उनका 105वां जन्मदिन है जो हम मनाने उनके घर आज आए हैं। पूरा प्रशासन उनके साथ आज उनका जन्मदिन मना रहा है। श्याम सरन नेगी जी ना ही हमारे किन्नौर के ना ही हिमाचल के, पूरे भारतवर्ष के एक लेजेंड है, तो इनका जन्मदिन जो है तभी हम आज यहाँ आके मना रहे हैं ताकि जो है इनको ऐसा प्रतीत हो कि हम जो है पूरा प्रशासन इनके साथ है और हमारे लिए बड़ी खुशनसीबी है हमारे लिए कि श्याम सरन नेगी जी हमारे किन्नौर के वासी हैं। वहीं देश के प्रथम मतदाता मास्टर श्याम सरन नेगी ने कहा कि आज उनके जन्म दिवस को प्रशासन ने उनके निवास स्थान कल्पा में आकर मनाया, जिसके लिए उन्होंने प्रशासन का आभार प्रकट किया है। और देश के प्रथम मतदाता ने कहा कि आज उन्हें देश के प्रथम मतदाता का गर्व प्राप्त हुआ है। ऐसे में वे हर चुनाव में भी अपने मत का प्रयोग करते हैं और हर चुनाव उनके लिए जन्मदिन के बराबर होता है। 1917 में मेरा जन्म हुआ, तो उस हिसाब से आज पूरा 106 साल होने जा रहा है। इसके बीच में आज तक भवन से लेकर आज तक या आज से पहले 13 इलेक्शन हो चुका। हर बार मैं उस इलेक्शन में खुशी के साथ जाते हुए अपना वोट दान देते आ रहा हूँ और इसके बाद भी हो सके तो देते ही रहूँ। किन्नौर से अरुण नेगी की रिपोर्ट।